इसी के साथ इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, यूपी विधानसभा उपचुनाव के नतीजों का बड़ा अपडेट। खतौली से आरएलडी उम्मीदवार मदन भैया जीते, रामपुर सीट पर बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना जीते, समाजवादी पार्टी प्रत्याशी असीम राजा की हार। खतौली विधानसभा उपचुनाव में मतगणना के परिणाम आ चुके हैं, 26वें राउंड तक पूरी हुई वोटों की गिनती। रालोद गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया की ऐतिहासिक जीत, सपा प्रत्याशी डिंपल यादव चुनाव जीती, 2.38 लाख वोट से ज्यादा जो है उन्होंने जीत दर्ज की। मैनपुरी उपचुनाव में डिंपल की रिकॉर्ड तोड़ जीत। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश से, जहां यूपी विधानसभा उपचुनाव के नतीजों का बड़ा अपडेट सामने आया है। खतौली से आरएलडी उम्मीदवार मदन भैया ने जीत अपने नाम दर्ज की है, रामपुर सीट पर बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना जीते हैं, तो वहीं मैनपुरी में डिंपल यादव ने जीत का परचम लहराया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी विधानसभा उपचुनाव के नतीजों का एक बड़ा अपडेट सामने आया है। सुबह से मतगणना जारी थी और अब परिणाम सामने आ गए हैं। मैनपुरी में डिंपल यादव ने जीत का परचम लहराया है, वहीं खतौली से आरएलडी उम्मीदवार मदन भैया ने जीत अपने नाम दर्ज कराई है, रामपुर सीट पर बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने शिकस्त हासिल की है, जीत हासिल की है। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी असीम राजा को हराकर रामपुर सीट पर बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने जीत का परचम लहराया है। तो बड़ा अपडेट आपको यूपी विधानसभा उपचुनाव से दे रहे हैं, जहां मैनपुरी में डिंपल यादव ने प्रचंड बहुमत हासिल करके जीत अपने नाम दर्ज की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह जोश नजर आ रहा है डिंपल यादव की जीत को लेकर। वही बात रामपुर की करें तो बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने रामपुर में जीत हासिल की है, वही खतौली की बात करें तो आरएलडी उम्मीदवार मदन भैया ने खतौली में किला जीता है, जीत अपने नाम दर्ज की है। सुबह से ही मतगणना जो है शुरू हो गई थी और अब परिणाम